हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो अभी हम बात करेंगे दोस्तों एक्सिस बैंक के बारे में। तो दोस्तों एक्सिस बैंक के बारे में जैसे आपको मालूम होगा कि कल की डेट में इनका क्वार्टर रिजल्ट आया हुआ था। थोड़ा सा क्वार्टर रिजल्ट में थोड़ा सा लाइमलाइट डाल देते हैं। देखिए, एक्सिस बैंक इनका 2,960 करोड़ रुपये का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है इन्होंने इसमें मार्च क्वार्टर में, और सेम क्वार्टर में एक साल पहले मार्च क्वार्टर 2020 में इन्होंने जो है 1,250 करोड़ का लॉस डिक्लेयर किया था। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि एक जंप है प्रॉफिट में, क्योंकि एक कंपनी जो लॉस में डिक्लेयर की थी एक साल पहले, अभी जो है लगभग 3,000 करोड़, 2,960 करोड़ रुपए जो है ये प्रॉफिट डिक्लेयर की है। एंड लेकिन उन्होंने बोला हुआ है कि ये कोविड रिलेटेड जो सिचुएशन है, सेकेंड वेव की आई हुई है, ये इसमें थोड़ा सा हमें कॉशियस रहने की जरूरत है। थोड़ा सा इन्होंने रेड फ्लैग यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। तो दोस्तों 2,960 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है, ये एक कंपनी के लिए क्या है, एक पॉजिटिव साइन है, राइट। लेकिन कोविड के वेव की वजह से देखिए, ये बोल रहे हैं कि रेड फ्लैग है, लेकिन ये कोविड का सेकेंड वेव मैनेजेबल है। तो कंपनी का ये क्वार्टर प्रॉफिट बहुत दमदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और डिटेल में प्रॉफिट ये जो डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधा जो है क्वार्टर रिजल्ट पे चलते हैं, चार्ट पे। ये देखिए, मैंने एक्सिस बैंक का लगा दिया ये जो है चार्ट। अब देखिए क्लोजिंग कितने हुई थी कल की डेट में, 699 रुपए पे, 700 रुपए पे क्लोजिंग है इसकी, राइट। इसका 5 दिन का चार्ट लगाते हैं। आप एक चीज देखिए, ये 26 अप्रैल को सेम 702 रुपए तक टच किया था, फिर वहां से नीचे आया था 685 रुपए तक, फिर ऊपर गया ये 27 अप्रैल को 701 रुपए, वहीं के आसपास जो है ट्रेड करता रहा। तो दोस्तों एक चीज आपको देख नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ये लेवल जैसे, ये लेवल कितने का है, लगभग 701 702 रुपए का है। जैसे ही ये लेवल क्रॉस करेगा, ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा, मालूम है आपको। अब कहाँ तक जाएगा ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा, तो यहाँ से देखिए ये वाला गैप जो है सीधा, ये यहाँ पे ये वाला गैप फिल करने की कोशिश करेगा। सबसे पहला टारगेट जो है टारगेट 715, राइट। 715 रुपये इसका पहला टारगेट होएगा। उसके बाद दोस्तों ये देखिए 715 ही इसका जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 715 रुपये, ठीक है। ये 796 रुपये ये गया था कब, 16 फरवरी 21 को। तो यहाँ पे है, ये देखिए 700 ऊपर जाएगा, तो सबसे पहले 715, सॉरी 731, और देन ये 771। तो सबसे पहले आप टारगेट 1 715, टारगेट 2 728, और टारगेट 3 750 के लेवल तक, यहां तक ये दोस्तों जा सकता है। अब इसका ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं क्या है इसमें। स्पॉट प्राइस देखिए 699 रुपये, एक्सिस बैंक 29 अप्रैल 2021 पे। अब यहां पे देखिए, ₹16.20, 1,55,000, 1,55 करोड़ की जो है कॉल राइटिंग हुई है किसके, 700 पे, राइट। अनवाइंडिंग 710 पे एक चीज देखना आप, 1,22,34,000 की कॉल राइटिंग हुई है 106%। तो 710 ऐसा यहाँ से लग रहा है कि 710 जो है इसका पहला टारगेट होगा एज ए ऑप्शन चेन से, राइट। नीचे आते हैं, 720 पे कॉल राइटिंग हुई है 1,05,00,000, और 730 पे 61,00,000। तो आप एक चीज ये देखिए, 710, 720, 1,22,00,000 की कॉल राइटिंग, 1,05,00,000 की कॉल राइटिंग। तो 710 फर्स्ट टारगेट, टारगेट 2 720, तो 710 720 यहाँ से टारगेट निकल के आ रहा है। इसके ऊपर जाएगा तो हम आगे वीडियो बना के बताएंगे। तो दोस्तों दूसरा शेयर है SBI। तो SBI में एक न्यूज है, देखिए द कंट्रीज लार्जेस्ट बैंक, इन्होंने जो है एक जो है फंड रेजिंग की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम जो है US 2 बिलियन, मतलब
14,942 करोड़ रुपए जो है फंड रेजिंग की बात चल रही है, और सेंट्रल बैंक जो है बोर्ड मीटिंग बैठक होने वाली है और ये जो है कंसीडर करेगी। और फंड किसके थ्रू रेज करेंगे? इक्विटी के थ्रू नहीं, बॉन्ड के थ्रू रेज करेंगे। तो वाया बॉन्ड फंड रेजिंग, तो दोस्तों फंड रेजिंग की बात ये जो है बहुत अच्छी बात है, और इसमें इस लेवल के दम पे, इस न्यूज के दम पे इसमें थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं। अब आगे देखते हैं चार्ट पे क्या सीन बन रहा है इसमें। आपको दिख रहा है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 352 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे 352 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आज की डेट में बाउंस बैक देखने को मिलेगा, तो ये ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकता है? 363 ये वाला लेवल। तो टारगेट 1363, टारगेट 2 ये वाला 31, T2 कितना है? 370। ये वाला कौन सा लेवल था? 361। साफ साफ दिख रहा है, टारगेट 1361, टारगेट 2370, यहाँ तक। तो 370 तक जाके अगर इसके ऊपर की तरफ फिर आगे जर्नी स्टार्ट होगी, वो जो है यहाँ पे 380 का लेवल जो है टच करेगी। ये है टारगेट 380। तो 361, 370, 380 ये टारगेट आप दोस्तों ध्यान रखिएगा आने वाले दिनों के लिए। अब इसका ऑप्शन चेंज देख लेते हैं क्या इसमें। स्पॉट प्राइस 353 रुपए। अब देखिए 355 की कॉल राइटिंग हुई है 1,73,00,000 की, राइट? 360 पे कॉल राइटिंग हुई है 2,90,00,000 की। तो दोस्तों इधर देखिए 1,73,00,000, 2,90,00,000 और इधर 67,00,000। तो मतलब इसका जो टारगेट यहाँ से निकल के आ रहा है, ये वाला टारगेट, टारगेट 1 यहाँ से निकल के आ रहा है, सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है 360 के लेवल पे। तो टारगेट 1 जो है 360 यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। और नीचे आते हैं 375 पे 18,00,000, 380 पे 23,00,000, 385 पे 3,00,000, 390 पे 11,00,000। तो सेम चीज ऐसे ही है, अगर 360 के ऊपर फ्रेंड्स जाएगा, जो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है 360 वाले लेवल पे 2,90,00,000 की, फिर आगे की जर्नी इसकी स्टार्ट होगी। तो 360 रुपये तो यहाँ से टच करना ही करना चाहिए, उसके ऊपर ये जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कल ही एक्सपायरी है। फिर कल से मैं वीडियो बनाकर बताऊंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक।